क्या आप वो बचपन के दिन वापस लाना चाहते हैं? वो क्लासेस को बंक मारना, वो कैंटीन में रगड़ा समोसे खाना और रंग बिरंगी चुस्कियां खाना, वो स्कूल लाइफ भी क्या लाइफ थी। लेकिन वो आइस पेप्सी या चुस्की कहीं मिलती कहाँ है आजकल? रवि, अगर मिल भी जाएगी तो क्या उनसे खा पाएंगे, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल फ्लेवर और सिंथेटिक कलर से बनती है। ओ, इसीलिए हजारों बच्चे हर साल खराब क्वालिटी की चुस्की खाकर बीमार पड़ते हैं। तो क्या हमारी वो बचपन की मजेदार यादें वापस ताजा नहीं हो सकती? हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है, क्यों नहीं। प्रेजेंटिंग टू यू इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली आइस पॉप्स ब्रांड स्किपी आइस पॉप्स। Hello everyone, I'm Ravi Kabra, the co-founder. And I'm Anuja Kabra, the co-founder of Skippy Ice Pops. और हम आए हैं हैदराबाद से। Skippy Ice Pops बनता है 100% natural color, natural flavor, natural preservatives and natural sweetener से। Shucks, इंडिया में frozen products को supply करने की बड़ी परेशानी है, इसीलिए हमने पूरे supply chain से refrigeration को ही हटा दिया है। Skippy Ice Pops बनती है लिक्विड फॉर्म में, रूम टेम्परेचर में, और इसे सप्लाई भी करते हैं हम हमारे रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर से। कस्टमर्स इसे खरीद के घर ले जाते हैं, उसे फ्रीज करते हैं और उसे इंजॉय करते हैं। तो शार्क्स, हम आए हैं आपके पास 45 लाख रुपीज रेस करने अगेंस्ट 5% इक्विटी इन आर कंपनी। Sharks, क्या आप हमारे Skippy Ice Pops ट्राई करना चाहेंगे? Absolutely. Yes. Yes. Wonderful. Please. So we have got 6 flavors. Try the lemon one. Lemon? Very nice packaging. Thank you. हर बार ही बाहर जाते बच्चे यही खाते रहते हैं। वो बच जाती है एंड में तो मेरे को ही खानी पड़ती है। I'll have raspberry. Raspberry. Very, very nice. It's a nice flavor. सच में बचपन याद आ गया है। Yeah, that was the aim. Yeah. Yummy. Lovely. Great, yum. Great. Thank you. It's very nice. Absolutely yum. Thank you. आपका ये जो 20 रुपए का बेचते हैं वो बनाने में कितना लगता है? अगर मैं इसमें पैकेजिंग कॉस्ट यानी प्राइमरी पैकेजिंग, इनर पैकेजिंग, कार्टन भी जोड़ लेता हूँ तो 5 रुपए में पॉप्सिकल बनता है। Wow. और होलसेलर को कितने में बेचते हैं? 13 रुपीज में मिलता है। फिर भी ठीक मार्जिन। Still pretty good. यार मैं आपको एक ऑफर करता हूँ। ठीक है? अरे यार, I can offer बनाए। मैं आपको ऑफर करता हूँ, हाँ कि ना आप मेरे को बता देना। I'll give you exactly what you want, 45 lakhs for 5%. And I won't wait long. I've invested in over 200 companies, built many brands. So that's my offer. मत सोचो, मना कर दो। One more offer. जी। 5% के लिए 45 ऑफर किया है, वो हम 5% के लिए 60 लाख ऑफर कर रहे हैं। और नमिता और मैं इसमें टुगेदर हैं। साथ में। So you get 2 sharks. Great. चलो यार, 2 ऑफर मिल गए आपको। आप और क्या बोल रहे हो? हम देने वाले थे पर बस ऑफर तो। आप भी बताइए सुनने में। Amar has changed his mind तो इसलिए। नहीं, मैं तो मेरे को ये बात ही नहीं करने देते हैं लोग, मतलब शरीफ शार्क को। Really? आप ऑस्ट्रेलिया से आए हो? जी। 16 साल से काम कर रहे हो? जी। पैसे तो आपके पास बहुत होंगे, सच बता दो। 45 लाख से ज्यादा ही होंगे। फिर भी उसमें आपने अपनी पोजीशन बनाई ऐसी है कि आजकल हर यंगस्टर आपका ब्रांड लेके घूमता है। मेरे घर में खुद ही अनुजा ने परसों बोट का बोट खरीदा है। अरे हमें मत भूलिए, हमने भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बनाए। पहले ऑफर तो आने दीजिए, ऑफर तो आने दीजिए। अरे यार मैं भूल जाता हूँ, इतने सारे पेपर है, कहाँ रखा? डिविजन नहीं हो रही मन से। ए फेक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जल्दी मैप कर। और पैसे देने पड़ेंगे। ऑफर क्या है? 45 लाख क्या कह रहे हो? तीनों हिस्ट्री ऑफ शार्क टैंक आज इंडिया में बनी है, बताऊं क्या? 5 शार्क आपको ऑफर दे रहे हैं। वाओ, या फर्स्ट टाइम, वेल डन। थैंक यू, थैंक यू। फॉर दैट इटसेल्फ यू नीड अ राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू, एब्सोल्युटली। एक काम करते हैं, आपको 60 लाख हम तीन भी दे देते हैं। हां, बट बिकॉज़ वी आर थ्री, वी विल टेक 6%।
हमें बचपन के लिए हमें ना लड़ना अच्छा नहीं लगता। आप सभी आ जाइए साथ में, पांचों क्यों नहीं, ठीक है फिर। Why not? 50% 45 लाख व्हाट यू से? नहीं नहीं 50% सर आप तो डरा रहे हो मुझे भाई, मैं बिना इनसे पूछे एक ऑफर करता हूँ, ये मेरे को शायद यहाँ से निकाल देंगे इसके बाद, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ। व्हाट इफ वी, आई एम नॉट येट मेकिंग यू एन ऑफर बेस्ड ऑन देम, व्हाट इफ वी मेड यू एन ऑफर ऑफ 1 crore ऑल 5 फॉर 15% ऑफ योर कंपनी? 15% नमिता एंड माय ओरिजिनल ऑफर स्टैंड स्टिल, 60 लाख फॉर 5% और बाकी आपको हमारे साथ नहीं आना। नहीं, अगर अगर सबकी सब, आ, सब नहीं, उनका फायदा है इन दैट डील। मैं सिंपल कर देता हूँ, पहली डील थी 9 crore पे 5% 45 lakh रुपए मिलेंगे। दूसरी डील थी नमिता और मेरी 12 crore पे 60 lakh रुपए 5%। इन तीनों का भी वो सेम ही ऑफर है? पूरे टेबल से अगर आपको पांचों के पांचों चाहिए तो एक स्पेशल डील है जो कि आपको बता दी गई है, which is 1 crore for 15%। क्या हम 5 मिनट दो मिनट बात कर सकते हैं इस पर? बिकॉज आपके ऑफर्स काफी अट्रैक्टिव है और ऐसे पैकेजेस कभी मिले नहीं हमें, तो थोड़ा 2 मिनट बात करते हैं। बड़ा आप ऐसे मत करना कि आप ध्यान ना रखो हमारा सर, आप बड़ी दुविधा में डाल रहे हो। I would hate to be in your shoes right now. वो तो ऑफर देते टाइम बंदे को सोचना चाहिए था ना। You're getting what you want. Come back, close a deal, and remember who was with you on the first right till the end. Just give us 2 minutes. Thank you. Thank you. ऐसे कैसे कर सकते हो, 6 डील थोड़ी दे सकते हो, 5 लोग 6 डील यही तो मजा है शार्क टैंक का। 1 crore अगर आता है और अगर वी कैन गेट इन टू 10% या 12%, आई थिंक दैट विल बी मच बेटर। ठीक है, इतने नर्वस तो हम एग्जाम्स पे टाइम भी नहीं थे जितने आज है। शार्क्स, हम चाहेंगे कि आप सभी ज्वाइन करें, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी द फर्स्ट ब्रांड जिसमें पाँचों के पाँचों शार्क्स हमें ज्वाइन करें। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कैन वी डू समथिंग 10-12% के आसपास। रवि अनुजा, एक बात समझाऊं मैं? आई थिंक यू आर ऑप्टिमाइजिंग टू मच। इफ यू वांट ऑल 5 sharks, आप इसको प्री सीड समझ लो, सीड समझ लो, हम साथ आएंगे तो इट इज एज गुड एज अ 3 crore राउंड इन माई माइंड। आपको ये सोचना चाहिए, the most skin we have in the game, मतलब जितना हम ownership ज्यादा होगा उतना excited हम होंगे। If you break that down 15%, it comes to 3% each, है ना? तो think of us as partners, don't think of us as VCs who are trying to थोड़ा कम करने की कोशिश कर। और हम हर एक अलग expertise, एक अलग skill लाएंगे आपके लिए। 1 crore for 15%, right? Yes. That's your offer. अभी चलो साथ में डांस करते हैं। Yeah. Thank you. Thanks a lot. Great job. Super. We're excited. Thank you. And I think you're going to be the first one where 5 of us have co-invested. Congratulations. All right. तो उसमें क्रिकेट टीम पर डालेंगे भाई, पक्का डालेंगे। मैं एक स्नीकर हेड हूँ, मुझे स्नीकर्स का बहुत ज्यादा शौक है, बट मैं इतना लकी नहीं हूँ कि मुझे नाइकी से अर्ली मॉर्निंग स्नीकर्स रिटेल पे मिल जाए। सो आई हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट कि मैं रीसेल मार्केट से इन स्नीकर्स को खरीदूँ। सो रीसेल मार्केट्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक रीसेलर से मुझे पर्टिकुलरली जो स्नीकर चाहिए वो मिलना ज़रूरी नहीं है, एंड अगर वो स्नीकर मिलता भी है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो साइज भी मुझे अपना मिले। अदर देन दैट, अगर मुझे सब मिल भी जाता है तो देयर इज अ प्रॉब्लम कि हो सकता है उस स्नीकर के फेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। सो शार्क्स, दिस इज वेयर फाइंड योर किक्स इंडिया कम्स इनटू द गेम।
Reminder Kicks India एक ऐसा reseller aggregator platform है जहाँ पर आपको हर limited sneaker हर size में available मिलेगा और sneaker के fake होने का कोई chance ही नहीं है क्योंकि हम हर sneaker को एक 20 checkpoint की list से legit check कर कर ही buyer के पास भेजते हैं. Also अगर आपको कभी profit पर अपना sneaker बेचना भी हो तो आप हमारे platform पर अपना sneaker list करके बहुत आसानी से बेच सकते हैं. फिलहाल हम Instagram पे operate कर रहे हैं और हमारी ऐप और वेबसाइट रेडी टू लॉन्च है. So, आसान भाषा में बोल लेते हैं हम स्नीकर्स और स्ट्रीटवेयर के हम फ्लिपकार्ट जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों की सारी नीड्स फुलफिल होती है. हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 10% इक्विटी. वंडरफुल. तो हर्ष, दानिश और सिमर, आप तीनों का शार्क टैंक पर स्वागत है. थैंक यू सो मच. आपने जो वर्ड यूज किया स्नीकर हेड, मेरे घर में तीन है, मेरे हस्बैंड और दो बेटे. मैं तंग आ जाती हूँ यूएस से, सूटकेस भर भर के मैं स्नीकर्स लाती हूँ. तो ये बहुत ही अपकमिंग बिजनेस है. तो वी वुड लाइक टू ऑफर यू 50 लाख बट फॉर 30% ऑफ योर कंपनी. इसमें मेहनत बहुत लगेगी. रीसेल भी करनी है ना, तो तुमको अपनी बुक्स पे करनी है. आप गाड़ियों की सेकेंड हैंड मार्केट भी देखिए, ठीक है, जितने बड़े प्लेयर बन गए, ड्रूम बन गया या कोई और बन गया, वो उसके ब्रांड पे और उसकी सर्टिफिकेशन पे बिक रहा है. अगर लोगों को आप पे ट्रस्ट है तो ऑन द बिल आप होने चाहिए, तभी ये बनेगा ब्रांड. नहीं नहीं, मैं बात करने जा रहा हूँ. मेरी बात बाबू, उन्होंने बुलाया. डिच करके उनके पास जा. अरे नहीं, उन्होंने बुलाया तो मैं जा रहा हूँ. यार जूते EMI पे बिकने चाहिए ना, तब मजा है. जैसे मैंने पोस्ट पे प्लेटफॉर्म बनाया है, उस पे इसको लिस्ट करा देंगे ना सीधा. बाकी तू भी IT दिल्ली का, मैं भी IT दिल्ली को कर लेंगे यार. अभी एक दूसरा ऑफर आ रहा है, सुन लीजिए. ऑफर नहीं, इसको बोलते हैं दूसरों की दाल में तड़का डालना. Bring it on. स्नीकर की मार्केट क्रेजी है, मतलब देयर पीपल जो पहले आ चुके हैं. बट मुझे अभी भी डाउट हो रहा है तुम लोग एग्जीक्यूशन कैसे कर पाओगे. कर लोगे? डेफिनेटली सर, अभी तक भी हम करते हैं. रादर लेटली अभी GQ मैगजीन में वी वर फीचर्ड एज द बिगेस्ट मार्केटप्लेस फॉर हाइप अपैरल्स एंड स्नीकर्स इन इंडिया. सर आपकी तो वेबसाइट ही नहीं है, मार्केटप्लेस कैसे फीचर हो गए? एवरीथिंग स्टार्ट स्लो. कितने लोग हैं टीम? वी हैव टोटल 14 एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग अस. भाई जो इतने सवाल पूछता है ना, उसे ऑफर भी मांग लेते हैं. हां जरा ऑफर पूछ लीजिए. व्हाट डू यू थिंक अमन? अमन हमें छोड़ के उस तरफ? नहीं यार. दिल बन रहा है? तो अगर करना है ना तो एक काम करते हैं, सारे आ जाते हैं, पांचों शार्क, क्योंकि सबको इंटरेस्ट है. सब अपनी अपनी एक्सपर्टीज लाएंगे. जैसे लेंस कार्ड वाले अपने साथ वो ले आएंगे, यू नो मार्केट प्लेस मॉडल, इनसे अच्छा कोई नहीं है. शादी.com हर शादी में एक गिफ्ट दिलवाएगी. नहीं, 200 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, ये सब समझ आता है. ये अपने हस्बैंड एंड बच्चों को भी बहुत बिकवाएंगे ऐसे स्नीकर्स. मेरे को तो जूते EMI पे बेचने हैं. और मुझे भी ब्रांड बिल्डिंग और यू नो ये कम्युनिटी की नॉलेज है. हम पांचों शार्क. चलो कर देते 30%, ईच ऑफ अस गेट 6%. Can we make a call? इसको कॉल करेंगे? पापा को करो. पापा को. पापा की भी इक्विटी है इस बिजनेस में? नहीं, मेंटोर है आपके. He's a mentor. अगर पापा कहेंगे कि नहीं लेना, 25-15 करना है, तो आप ड्रॉप कर देंगे आज? हाँ. ये बताइए बस. हाँ चलिए जाओ. जाओ जाओ कॉल करो. ओ मेरे पापा दिख रही है. ये तो डील ही वीक होती जा रही है मेरे लिए. पापा शो पे हूँ, फोन लाउड स्पीकर पे है, कॉल करा है डिसीजन लेने के लिए. मैं तो आप लोगों की पे आ रहा हूँ, स्पेशली अगर पापा से बात करनी है तो मैं तो बाहर जाता हूँ इस टाइम पे. रिस्पेक्ट भी होती है यार कि पापा ने बोला कल घर से निकाल देंगे. ये जो स्नीकर हेड कम्युनिटी है ना, दे लिव एंड डाई स्नीकर्स, वो मन नहीं बदलेंगे. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. I think sharks, we have a counter offer. थोड़ा सा नीचे लाके राउंड करने के लिए नंबर्स, जस्ट हम 25 पे कर देंगे डील, बट वो आखिरी है. लीव इट और टेक इट. चार पार्टनर है, क्योंकि एक, दो, तीन, चार. 25, 25, 25, 25. उतनी मेहनत करेंगे आपके जितनी मेहनत करेंगे. चले फिर.
Yo boys. Yo boys. Let's do it. Let's do it. Let's take it. Oh, let's do it. Let's take it. Oh, yeah. All right. We have a deal. And we are betting on you guys. Yes. Thank you so much. I love you, sneakers. देखो, मैं अभी ये sneakers नहीं पहनता, पर मैं पहनना चाहता हूँ. Love, love, love your sneakers. Thank you so much. Well done. Well done. भारत में हर साल 20 लाख लोग हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं। चार में से एक मौत आज भी हार्ट अटैक की वजह से हो रही है, जिसका मेन कारण सही समय पे सही जगह पे आपका मेडिकल डिवाइसेस ना होना है। दिल की समस्या के लिए बेसिक टेस्ट होता है ECG, जो कि आज से 100 साल पहले इन्वेंट हुआ था, जो कि आज भी आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर है। सही समय पर ECG ना मिल पाने की वजह से हम लाखों जाने गवा देते हैं। तो सोचिए शाक, अगर सही समय पर हम ECG उपलब्ध कर पाएं और इजीली उपलब्ध कर पाएं, तो कितनी जाने हम बचा पाएंगे। और एग्जैक्टली यही काम हमारा डिवाइस स्पंदन करता है। बहुत ही छोटा है स्पंदन। एक पॉकेट साइज ECG डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, कहीं भी बिना किसी डॉक्टर की सहायता के अपने स्मार्टफोन पे अपना ECG कर सकता है। Amazing. ये छोटा सा दिखने वाला डिवाइस 99.7% की एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, और ये घर पर आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हम घर पे BP शुगर की मशीन इस्तेमाल करते हैं। शाक, हम लोगों ने स्पंदन का यूज करके कोविड के टाइम में बहुत लोगों की तो हेल्प की ही है, साथ ही साथ मेरे लिए बड़ा स्पेशल है, क्योंकि मैंने अपने पापा की मदद की है अर्ली डायग्नोसिस करने में हार्ट एबनॉर्मलिटी को। शाक, हम लोग एक ग्लोबल मिशन पे हैं, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में इस दुनिया में एक भी मौत प्रिवेंटेबल एंड अनडायग्नोस्ड हार्ट अटैक की वजह से ना हो। शाक, हम 1 करोड़ रुपए रेज करने के लिए आए हैं 2% ऑफ द कंपनी, और हम चाहते हैं कि आप इस नोबल कॉज में हमारा हिस्सा बने। टीम सनफॉक्स, बहुत ही अमेजिंग प्रेजेंटेशन थी, शुक्रिया। अब आप प्लीज डेमो दिखाइए। तो बेसिकली अभी हम सबसे पहले डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन से। ये आपसे परमिशन लेगा, आपको बस दो बार ओके करना होता है। तो ये आपका डिवाइस कनेक्ट हो चुका है, ग्रीन इज द सिग्नल। तो ये सारे टेस्ट आप ले सकते हैं। लीड 2 इज फॉर अरिथमिया, स्पेसिफिकली फॉर अरिथमिया। 7 लीड इज फॉर चेस्ट लीड, और 12 लीड जो आप बोलते हैं डायग्नोसिस पर्पज से, जब डॉक्टर को आपको रिपोर्ट शेयर करनी है, तो इट्स अ प्रॉपर 12 लीड ECG। तो ये आपका पोजीशन है, अभी हम लीड 2 ECG टेस्ट ले रहे हैं। जैसे जैसे कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आप अपने चेस्ट पर इसे लगा सकते हैं। ओनली 3 चेस्ट लीड आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये तो आसान है। यस, रेड वाला राइट पे है, ग्रीन वाला लेफ्ट पे है, येलो वाला लोअर लिम में। आफ्टर दैट आप बस स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करके 10 सेकंड के लिए आपका ECG यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। सो दिस इज हाउ योर ECG इज रिकॉर्ड। तो ये आपका ग्राफ आ गया। Your heart rate is fantastic. Yes. तो green safe है। Yes. Yellow borderline है। Okay. Red is abnormal. अगर red पे आए तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ abnormality है। You have to go to doctor या फिर further test लेना पड़ेगा। आपका heart rate 108 है। हाँ। आप nervous हैं? I'm a bit excited about this. Excited है। सेल्स क्या है? सेल्स हम लोगों ने कोविड फर्स्ट वेव के जस्ट पहले जनवरी में इसको इंट्रोड्यूस किया था, और 12-13 मंथ ऑपरेट करने के बाद हम लोगों ने 1.2 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है। हमारा जो ऑनलाइन सेल्स हम लोग जो करते हैं, उससे लगभग 5 लाख का तो फिक्स अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू आता है। और ये कॉस्ट क्या है आपके एक डिवाइस का? GP को क्या कॉस्ट पड़ता है? हम लोग अभी 8,000 रुपए का वन टाइम कॉस्ट करते हैं, उसके बाद कोई रिकरिंग उसमें GP के लिए नहीं होता है। दो हमारे पास अदर मॉडल्स भी हैं, जैसे कि मैं इंटीग्रेशंस की बात करता हूँ, उसमें हम लोग डिवाइसेस फ्री लगाते हैं, पेपर यूज चार्ज करते हैं। तो आप पेपर यूज कितना चार्ज करते हैं? सो पेपर यूज बेसिकली डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर। सो इट कैन बी एज लो एज 2 रुपीज पर ECG, कैन बी एज हाई एज 20 रुपीज पर ECG। ये बिजनेस, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेडिकल बिजनेस किस हिसाब से चलता है? डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं ECG। ECG क्या कॉस्ट पे होता है हॉस्पिटल? 300 रुपए एवरेज पर टेस्ट। तो अगर आप ये कमीशन स्ट्रक्चर खत्म कर दोगे, तो आप तो इंसेंटिव ले जा रहे हो डॉक्टर्स का टू वर्क विद दिस डिवाइस, क्योंकि आज डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स मेक मनी बाय डूइंग मोर एंड मोर टेस्ट्स। आप अगर एक ऐसा डिवाइस दे दोगे जिससे वो पैसे नहीं बने, तो आप वो इंसेंटिव और बिहेवियर चेंज कैसे करेंगे? सर, इस केस में एक चीज क्या है कि हम लोग एक्चुअली डॉक्टर्स के पास फुटफॉल बढ़ा रहे हैं। Exactly. क्योंकि जैसे कि आप ब्लड ग्लूकोमीटर्स का केस ले सकते हैं बेंचमार्किंग के लिए, जो डायबिटीज पेशेंट की जिनकी हम लोग आज बात कर रहे हैं, डायग्नोस जितने हो रहे हैं,
पहले आज के कंपेयर में बहुत कम होते थे। आज ब्लड ग्लूकोज होने की वजह से क्या है कि हर कोई ब्लड ग्लूकोज चेक कर ले रहा है, और चेक करने के बाद पेशेंट खुद तो दवाई नहीं खाता है ना, अल्टीमेटली जाते किसके पास है? डॉक्टर के पास। अगर पेशेंट को एक्सेसिबिलिटी है तो जाएंगे तो वो प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए डॉक्टर के ही पास। अंडरस्टूड। आप में किसी ने इन्वेस्टमेंट या कोई ग्रांट दिया हुआ है? यस। व्हाट इज इट? हम लोगों ने डीएसटी से ग्रांट लिया है कोविड इनोवेशन के लिए। किससे? डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम लोगों को बायरैक से सपोर्ट मिला है। बायरैक, करेक्ट। कितना मिला इन दोनों से? 50 लाख के आसपास। और इक्विटी लिया है उन्होंने कि इट्स जस्ट अ प्योर ग्रांट? इट्स अ प्योर ग्रांट। हम लोगों ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी रेज किया है लगभग 3.5 करोड़ के आसपास। क्या वैल्यूएशन पे? हम लोगों का जो वैल्यूएशन था लास्ट पोस्ट मनी 18.5 करोड़। आपकी शेयर होल्डिंग क्या है और सीईओ कौन है? मैं फाउंडर और सीईओ हूँ। हम लोग दो प्रमोटर्स हैं, मेरे दूसरे प्रमोटर यहाँ पे नहीं है। तो अभी करंट होल्डिंग में मैं 36% होल्ड करता हूँ, दूसरे प्रमोटर 34। उनका रोल क्या है? ही इज सीएफओ। मेरी टेक टीम एंड बिजनेस टीम 10% पूल है टीम के पास, एंड रेस्ट ऑफ द कंपनी गोज टू द इन्वेस्टर्स। आपने दुनिया बदलने वाला आविष्कार किया है, तो पिछले 2 साल से जब आपको इसका तोड़ मिल गया, आपकी सोल्यूशन एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से बराबर हो गई, व्हाई हैवंट पीपल जंप्ड ऑन दिस? इंडिया में इतनी लिक्विडिटी कभी नहीं रही। ये तो 2 साल हम लोगों ने स्पेंड किया है। रेगुलेटरी हम लोगों को करना था, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग करना था, मैन्युफैक्चरेबल डिजाइन रेडी करना था। टेक्नोलॉजी बनाना एक जगह है, उसके बाद उसको बेचने लायक बनाना, बनाने लायक अपनी कैपेबिलिटीज बिल्ड करना, वो हम लोगों को काम करना है। हम लोग एक देहरादून जैसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पे हम लोग अपना इकोसिस्टम भी बिल्ड करते हैं, ये भी बिल्ड करते हैं, और उसके बाद दुनिया को जाके दिखाते हैं कि दिस इज व्हाट वी हैव बिल्ड। और उसको करते ही हम लोगों ने इसी साल के अंदर, जो मैं बात कर रहा हूँ, एंजल भी इसी साल किया, ये जो राउंड की मैं बात कर रहा हूँ ये भी इसी साल किया, एंड हम चाहते हैं कि शाख भी हम इसी साल करें। अभी हम मिलके आपको 5वां एक ऑफर देने वाले हैं, उससे पहले अनुपम आप इन है? इन है। मुझे आप एक चीज बताइए कि आप शार्क टैंक में क्या लेने आए हैं पैसे के अलावा? पैसे के अलावा डेफिनेटली ये 3 करोड़ ले लिया, 1 करोड़ से और क्या हो जाएगा? वी हैव ऑल द बिग नेम्स हियर फॉर D2C, फॉर फार्मास्यूटिकल्स वी हैव क्वीन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हियर। एंड देन एक्सेस, जिन लोगों को हमें बेचना है उन लोगों की एक्सेस ऑलरेडी आपके पास है। हम आपको सारे मिलके एक ऑफर दे रहे हैं, ये बहुत कम होता है शार्क टैंक में, और हम बहुत ज्यादा इक्विटी भी नहीं लेना चाहते बिकॉज आपने राउंड रेज किया है। तो आपने 1 करोड़ मांगा था 2% के लिए, आपने अभी एक ऑलरेडी कैपिटल राउंड रेज किया है। अगर हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करें और बाकी सारे शार्क्स का टाइम इंक्लूड करें तो लगभग 6% आता है, ठीक है? तो हम आपको ऑफर दे रहे हैं 1 करोड़ फर्स्ट 6%, ऑल 5 sharks इंक्लूडेड, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑफर है। डिवाइड हो जाएगा सब में इक्वल अमाउंट, 20-20 lakh 5 sharks में, और 6% को भी हम लोग डिवाइड कर लेंगे 1.2% ईच। आप अगर आपस में डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, प्लीज अपने पार्टनर को फोन करना चाहते हैं। हमारा ये ऑफर जो है नॉन नेगोशिएबल है, डिस्कस करने के लिए है, टू बी ऑनेस्ट। हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। हां जी, प्लीज जाइए। थैंक यू। अगर ये टेक्नोलॉजी ड्यूल इंटेलिजेंस में पास हो गया, डू यू रियलाइज द नंबर ऑफ डिवाइसेस वी कैन सेल जस्ट थ्रू MQ? इट विल बी मैसिव। वेलकम बैक। इतनी मायूसी, खुश है कि दुखी है? समझ में नहीं आ रहा। खुश है। थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर, बट हम लोगों को एक इसमें कंसर्न है कि जो हमारे प्रीवियस राउंड के इन्वेस्टर्स हैं, अगर हम लोग इस ऑफर के साथ जाते हैं तो उनकी वैल्यूएशन को हम लोग डिसऑनर कर रहे हैं। उनको हम हैंडल कर लेंगे, आप भूल जाओ। आप 1-2 करोड़ के लिए हमें रिजेक्ट करोगे? तो आप इतना सोच क्या रहे? इट्स अ फैबुलस डील। 10% देना था। अनुपम तो इतना गुस्सा हुए हम पे जब आप बाहर गए कि 6 क्यों दिया। चलिए बताइए। तो डील पक्की। चेक बना ले, चेक। मेरा तो रेडी है। अरे वाह।
हाय शार्क्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ डुंगरवाल और मैं आया हूँ बैंगलोर से एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ एट स्निच, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग फास्ट फैशन ब्रांड फॉर मेन. हमारे वेबसाइट पे आपको मिलेंगे शर्ट्स, टी-शर्ट्स, डेनिम्स एंड अ लॉट मोर अदर स्टफ. वी वर वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स इन इंडिया हु लॉन्च्ड कोअर्ट सेट फॉर मेन, दैट इज अ पैड क्लोथिंग व्हिच इज 100% मेड इन इंडिया. नाइस. 2020 में हमने इस वेबसाइट की शुरुआत की और आज हम 2000 से ज्यादा ऑर्डर शिप करते हैं ऑन अ डेली बेसिस. हमारा विजन ये है कि स्निच को इंडियाज बिगेस्ट फैशन ब्रांड फॉर मेन बनाना और फिर ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करना. इसीलिए हमारी आस्क है 1.5 करोड़ फॉर 0.5% इक्विटी. 300 crores. धमाकेदार वैल्यूएशन. We'd like to thank all you guys. You can leave while we discuss work with him. Thank you, boys. Thank you, guys. Thank you. आपका अभी कितना बड़ा बिजनेस बन गया है? सर, हमने पिछले महीने किया है ओवरऑल सेल्स ऑफ 9 करोड़. वेरी नाइस. जिसमें से ओन वेबसाइट का रेवेन्यू रहा है 6 करोड़ रुपए, नेट ऑफ ऑल रिटर्न्स, एक्सचेंज, एवरीथिंग. मार्केटप्लेस हमने सिर्फ 2 महीने पहले स्टार्ट किया है, देयर वी डिड अबाउट 1 करोड़ रुपीस. और जो B2B ऑफलाइन चैनल है वहां पे हमने किया 2.3 करोड़. तो 9 करोड़ की सेल पे आपका प्रॉफिट कितना था बिजनेस में? तो हमारा ब्लेंडेड क्रॉस मार्जिन ऑन नेट सेल्स इज एट अबाउट 47-48%. उसके बाद आता है मार्केटिंग इज एट अबाउट 24%. ओके. शिपिंग चार्जेस है विच इज एट अबाउट 8-10%. फिर आफ्टर ऑल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आर EBITDA करेंटली इज एट अबाउट 4.5-5%. तो 9 करोड़ के बिजनेस में कहना ठीक होगा कि आपने 50 लाख रुपए कमाए, 40-50 लाख? हाँ सर, क्योंकि हम EBITDA पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे अभी इतना फोकस नहीं कर रहे हैं. अगर मुझे उस एंगल से जाना होगा तो स्केलेबिलिटी विल बिकम अ चैलेंज. 50 लाख महीने का प्रॉफिट बना रहे हो ये बिना फोकस के? फोकस कर दिया अगर तो कहाँ पहुँच जाएगा? अब अपनी फंडिंग के बारे में बता दीजिए, अभी तक कितनी हुई है? सर, इट इज 100% बूटस्ट्रैप्ड एज ऑफ टुडे. वाओ, अमेजिंग. बूटस्ट्रैप्ड कंपनी वो होती है जिसमें फाउंडर या फाउंडिंग टीम के पास सारी इक्विटी हो. उन्होंने या तो अपनी सेविंग से या अपना कोई लोन लेके उन्होंने ही पैसे लगाए हो कंपनी में, उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप्ड कंपनी. कोई पैसा नहीं रेज किया? कोई पैसा नहीं है. डेट है 4.5 करोड़ रुपए का. ये फ्रेंड्स एंड फैमिली का ही है. इंटरेस्ट कितना देते हो आप? 2-9% में और 2-12%. और पिछले साल क्या रेवेन्यू था? 44 करोड़. इस साल कितना रेवेन्यू होगा? सर, वी शुड टच एटलीस्ट 90-100 करोड़. बट नाउ एक सैचुरेशन पॉइंट आया जहाँ पे हमें फंड्स और चाहिए होगा टू स्केल दिस एट द सेम लेवल. आपको इतनी क्लैरिटी कहाँ से आ रही है? कोई सपोर्ट कर रहा है आपको? कोई मेंटोर है? कुछ बात तो होगी. सर, मेंटोर तो वैसे तो आप सारे ही हो, क्योंकि मैं बहुत सारे ब्लॉग्स आपके पढ़ता हूँ और इसके अलावा भी आई थिंक इंटरनेट इज द बिगेस्ट टूल. फादर कैसे फील करते हैं जो लड़के को उन्होंने बगल में दुकान दिलाई थी ये सोच के कि शायद बिजनेस बने? आई वुड गिव दिस एंटायर क्रेडिट टू माई फादर इटसेल्फ. हर फादर चाहता है कि उनके बिजनेस को आप ग्रो करो, बट जैसे ही मैंने बोला ही डिड नॉट इवन आस्क मी क्यों, क्या, कैसे. एंड ही इज ऑलवेज लेट मी फ्री एंड सेम विद माई सिस्टर्स. ही मेड श्योर दैट दे स्टैंड ऑन देयर फीट फर्स्ट एंड देन गेट मैरिड. उन्होंने लास्ट बर्थडे पे मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया था जिसमें एक एंटायर स्टोरी उन्होंने लिखा था अबाउट यू नो माई जर्नी. एंड yeah, I mean, उन्होंने बेसिकली यही लिखा था, I'm the most proudest father
and you know the way you have actually delivered on the values of our upbringing. So yeah, बहुत कुछ लिखा था. आपके आइडल कौन है? My father or my mother? I mean, my mother was the person who pushed me towards starting the new store. उन्होंने बोला पापा के कुर्सी पे जाके क्या बैठ रहा है? Do something on your own. बहुत अच्छी तालीम मिली है यार आपको, दिल से सलाम बॉस. आपको अभी 1.5 करोड़, 50 लाख, 2 करोड़ से कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं होगा. अभी आपको नेक्स्ट लेवल पे सच में एक ग्लोबल स्केल कंपनी बनना है, तो यू विल नीड अ बिग राउंड ऑफ कैपिटल. तो यहाँ किस लिए आए हो आज और हमसे क्या चाहते हो? बेसिकली यही है कि आप लोगों के साथ शायद मैं ग्रोथ बहुत फास्ट करूंगा. ईच वन ऑफ यू ऑल हैव डिफरेंट एक्सपर्टीज, तो अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग विल इज व्हाट आई कम इन हियर फॉर. मैंने भी ना मार्केटिंग कभी नहीं पढ़ी, तब मेरे को भी नहीं आता था कस्टमर एक्विजिशन वगैरह कैसे करना है, क्या करना है. यूट्यूब में वीडियोस देख के, लोगों से बात करके, absolutely. तो मुझे वो बहुत बहुत सही लगे. और दूसरी बताऊं एक सिमिलैरिटी, 100 करोड़ तक मैंने भी फंड रेज नहीं किया था. अगर हम 1 करोड़ रुपए दें और हम, मैं, विनीता, अगर अनुपम रेड्डी हैं और अमन चारों आ जाएं और चार नमिता को क्यों छोड़ दिया? अच्छा नमिता आउट नहीं हुई थी अभी, सॉरी, पांचों आ जाएं, 1.5 करोड़ ही दे दो. चलो 1.5 करोड़ दे दें और 1.5% दे दें जो आप चाहते हो कि मुझे पांचों शॉट्स मिले. तो क्या व्यू है आपका इसके बारे में? बिकॉज इसमें फिर आपको पांचों लोग भी मिल रहे हैं, हमारे को एक एक को कितना मिलेगा 1.5% में? 0.3. बिकॉज ये कैटेगरी वो कैटेगरी है, आप वीसी के पास ले जाइए, वो आपको शक की नजर से पहले ही देखता है. जो अमन की कैटेगरी में भी ट्रू था, बट ही हैज प्रूवन एवरीबॉडी रॉन्ग. एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाई आई टोल्ड हिम लाइक ही इज एन इंस्पिरेशन. और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे लिए ये स्टार्ट करना, क्योंकि आपने वही किया जो मैं ज़ारा और H&M के साथ करने वाला हूं. वेरी गुड. थोड़ा और बोलो, ज्यादा वैल्यूएशन भी मिल जाएगा. नहीं, बट तूने जो बात बोली ना, पता है हमने ना फिरंगी ब्रांड्स को इंडिया से हटाई दिया है. हाँ. उनका नाम खाली कर दिया. अब इंडियन ब्रांड्स ही रूल कर रहे हैं स्टार्टिंग विद अस. क्या लगता है भाई? 1.5% 1.5 करोड़ बहुत अच्छा वैल्यूएशन है यार. 1.5% 1.5 करोड़ कितना हो गया? 100 करोड़. 100 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया. ये फाइनल ऑफर है. दो रास्ते हैं, या तो हम इधर आएंगे या इधर जाएंगे. बता क्या करें. Let's do it. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. You are India ka sabse bada fashion brand banayega ki nahi? Thank you so much. Namaste Saks. Namaskar. पिच शुरू होने से पहले एक गर्मा गर्म चाय हो जाए. बहुत बढ़िया, बहुत जरूरत है. आपको पता है पूरा रुख बदल जाएगा इस पिच का अगर आपने अच्छी चाय बनाई. धवल जी सर, शार्क टैंक पे स्वागत है भाई आपका. आप जानते हैं इनको? बहुत मजेदार कहानी मैं आपको भी सुनाऊंगा बाद में. अरे वाह, आप थोड़े हेल्थ कॉन्शियस है तो मैं थोड़ी कम शुगर वाली चाय. अरे वाह, थैंक यू सो मच. चाय मस्त है. बढ़िया है. हाँ बढ़िया है, मजा है. चलिए, थैंक यू फॉर द टी. थैंक यू. बड़े बड़े बिजनेस की शुरुआत चाय पे ही हो जाती है, तो हमने सोचा यहाँ क्यों नहीं. बहुत अच्छे. सुबह उठने पर हमें क्या चाहिए? एक कप चाय. अरे ऑफिस में ब्रेक लेना है तो क्या चाहिए? एक कप चाय. और सलमान भाई को भी क्या चाहिए? एक गर्म चाय की प्याली. हम इंडियंस को चाय का इतना क्रेज है कि आज हर गली हर नुक्कड़ पर एक टी स्टॉल है, जहाँ हम जब चाय पीने जाते हैं या तो पेपर कप या फिर ये ग्लास में चाय दी जाती है. पेपर कप कहने को तो पेपर कप है, लेकिन उससे हमको और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही नुकसान होता है. और जब ये ग्लास में चाय दी जाती है, ये ग्लास कहाँ और कैसे वॉश होते देखा है आपने? देखा है. इसी सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है टी ग्लास वॉशिंग मशीन.
जो कि हाइजीन के लिए 12 से 15 ग्लास वॉश कर सकता है एक साथ सिर्फ 30 सेकंड में। इस प्रोडक्ट की यूएसपी है इसकी कॉम्पैक्ट साइज एंड सिंपल डिजाइन। और तो और इस डिजाइन से ऐसी और भी कई प्रोडक्ट डेवलप की जा सकती है फॉर वॉशिंग इंडस्ट्री। हमारा विजन है साक्स कि इंडिया के हर टी स्टॉल पे ये मशीन देखा जाए और सबको एक हाइजीन चाय मिले। साक्स, मैं हूँ जयेश नाई और मेरी उम्र 22 साल है। और मैं हूँ धवल नाई, मेरी उम्र है 20 साल। और हम है टीम महंतम फ्रॉम बनासकांठा गुजरात से। हमारी आज के 30 लाख फॉर 10% इक्विटी। तो भैया सेमा पीस रोज चाहे वो तो महंतम ना ग्लास वॉशर में धोयला कप में चा पीवा। वाह अरे वाह 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 यार आज मजा आ गया। धवल जयेश बहुत बहुत स्वागत है आपका शार्क टैंक पर। मुझे ये लग रहा है आपसे ज्यादा मैं नर्वस हूँ। मुझे मेरी पहली फंडिंग राउंड मिली थी ना या जब कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली थी यूएस में, मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई थी जो आज आ रही है आपको देख के। यू नो द स्टोरी है? नहीं। लास्ट ईयर मुझे लगा देखिए शार्क टैंक इंडिया में पहुंचने के लिए भी लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन हो गए। बहुत एप्लीकेशंस आते हैं। एंड आई थॉट अबाउट माय ओन जर्नी कि हम सबको एक मौका मिले। वो मौका मिलने के बाद मैंने 200 कंपनी में इन्वेस्ट कर दी, आज मैं यहाँ बैठा। लेकिन इतने लोग हैं वहां पर जिनके पास आइडिया है लेकिन रुकावट ही रुकावट है। अगर आपको बिजनेस प्लानिंग नहीं बनाना आता तो आप कैसे वीसी के पास पहुंचोगे, कैसे पैसे उठाओगे, कैसे शार्क टैंक आओगे? तो आई फ्लोटेड समथिंग ऑन इंस्टाग्राम, आई रिमेम्बर। और मतलब सिर्फ 1 मिनट का आपको रील बनाना है और सिर्फ ये बोलना है क्या करना चाहते हो और क्यों। एंड आवर टीम विल पिक अ फ्यू एंड गिव देम अ ग्रांट फॉर नो इक्विटी। वाओ। तो धवल और जयेश को उनको एक ग्रांट मिला हमारे थ्रू। लवली लवली। और मुझे यहाँ आपको देख के मेरा सपना साकार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बताना चाहता हूँ, ये जो आप मशीन देख रहे हैं हमारा लेटेस्ट वर्जन है और ये मशीन हम आप ही की ग्रांट से हमने बनाया है। Wow. तो इसीलिए हम बना सके, अदरवाइज हम ओल्ड वर्जन इसका लेके आते। Oh my God. Very nice. Thank you. अभी कितना 28,000 ही लगा रखा है ये लेटेस्ट मशीन का प्राइस? हाँ 28,000। इसमें मार्जिन कितना बचेगा? हमने इसका मैन्युफैक्चरिंग हमको 19,000 में पड़ा है तो 32% मार्जिन रहता है। तो कितनी मशीन बेचोगे इस साल? इस साल का हमारा माइलस्टोन है 50 मशीन। 50 मशीन 30,000 के हिसाब से? जी। कितना रेवेन्यू हो गया? 15 लाख हो गया। पर आपने मांगा है 30 लाख 10%। क्या करेंगे इस पैसे का और इन्वेस्टर का पैसा कैसे बनाएंगे ये बताइए। हमने पहले सोचा है कि हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह नहीं है तो हमारे पास वो बेसिक टूल भी नहीं है, तो पहले तो वो सारी मशीनरी टूल्स बेसिक टूल्स वो सब चाहिए। अच्छा जी। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है और हमको R&D के लिए पैसा चाहिए कि हम दूसरे भी वर्जन पर थोड़ी R&D कर सके। आप इन्वेस्टर का पैसा आप रिटर्न कैसे करोगे? उस पैसों में से 50 मशीन के लिए हम पैसे लगेंगे, नहीं कि पूरे 35 लाख लग जाएंगे सिर्फ 50 मशीन बनाने के लिए, जिसमें SKUs हमारे हैं कि ये इंटरनल वॉशिंग है, दूसरे इंटरनल एक्सटर्नल वॉशिंग है, तीसरा है ग्लास वॉशर की जो लग्न प्रसंग में जो खाने पीने के लिए जो ग्लास होते हैं, कटोरिया होती है, उसके लिए भी हम मशीन बनाएंगे। तो इन शॉर्ट हमने सोचा था कि हम टी स्टॉल में घुसेंगे लेकिन अभी ये दिख रहा है कि हमने सोचा था उससे मार्केट बहुत बड़ा। तो अल्टीमेटली अभी तक ये तय नहीं हुआ है आगे जाके आप कितनी बड़ी कंपनी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। आप अभी यही देख रहे हैं कि 50 मशीन का प्लान है, धीरे धीरे कर तक यहाँ पहुंचे हैं, आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन सपना यही है कि आगे जाके बड़ी कंपनी बने, बड़ा बनना है बस। क्या यही बात है? Yes. जयेश धवल ये बहुत अर्ली स्टेज कंपनी है जिस। तो बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज आपके पास नहीं होगा। करेक्ट। आगे क्या सफर तय करना है वो देखेंगे, लेकिन आपने जो मासूमियत और मेहनत है उससे मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ। तो मैं आपको एक ऑफर करता हूँ, मैं 30 लाख आपको देता हूँ लेकिन फॉर 20% ऑफ योर कंपनी। तो अनुपम अगर आप चाहो तो हम भी आपको हेल्प कर दें। ये ऐसा काम है अगर मिलके करेंगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और पूछ लो अगर और कोई आना चाहता है तो वेलकम। अनुपम आप ये लीड करिए हमारी तरफ से, हम पांचों इन हैं। Are you guys all? Yeah. Five shark deal. Final offer ये है, all five sharks 30 लाख रुपए देंगे for 20%, मतलब कि 1.5 करोड़ की वैल्यूएशन हुई। ये बहुत कम होता है शार्क टैंक। एक और बात है भाई, ये भी समझ लो
जैसे इस देश में प्रेरित हुए शार्क टैंक इंडिया से आपकी कहानी देख के अभी सारी रुकावटें जाने वाली। हर गांव में बच्चा बोलेगा मुझे भी आविष्कार करना है, एक बड़ा धंधा बनाना। और देखो अनुपम की मेहनत से आप यहाँ से यहाँ आयो, हमारी मेहनत से हम यहाँ से कहाँ जा सकते, पांचों की मेहनत से होता है। तो सोचो ऑल सक्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस डील एंड हम पांचों साक्स को लेना चाहेंगे और ये डील पक्की थी। वो देखिए थ्री इडियट्स में फुलचुक वांगडू इनोवेशन करता है।